और अब इस वक्त खबर एक रांची से है। रांची के बड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण अब होगा, इसका जिम्मा उठाया है रांची नगर निगम ने। लिहाजा अब तालाब के सौंदर्यीकरण का सरकारी खाका भी तैयार कर लिया गया और उसे धरातल पर उतारने की कवायद तेजी से चलाई जा रही है। झारखंड को बने तकरीबन 12 साल हो गए, लेकिन आज तक सही मायनों में रांची के धरोहरों का सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया है। विकास की योजनाएं बनती हैं, लेकिन सिर्फ कागजों पे। अब आम जनता के विरोध के बाद सरकार जागी है और बड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण का जिम्मा नगर निगम को सौंप दिया है। हमारे पास पर्यटन विभाग के 91 लाख रुपए पड़े हुए हैं बहुत दिनों से, उसको लगाएंगे, प्लस कुछ और भी फंड हम डिमांड करेंगे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से। और हमारा प्लान है कि वो एक पूरा पार्क कम रिसोर्ट कम बोटिंग फैसिलिटीज कम रेस्ट्रा, एक पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के उस एरिया को डेवलप करें, साथ में एक जॉगिंग ट्रैक भी हो चारों तरफ, लाइटिंग हो जाए। लेकिन इस पर भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो पार्क वाली जो बात है वो हम अगले महीने शुरू कर देंगे। सरकार ने कवायद तो शुरू कर दी है, लेकिन योजनाएं धरातल पे आएंगी, इस पर से लोगों का विश्वास उठ गया है कि तालाब की चार दीवारी मतलब इसकी घेराबंदी हो जाए, ताकि लोग इसमें गंदा न डालें और ना इसका पानी को हम लोग दूषित करें। कहीं भी है, अगर हम सेफ नहीं करेंगे तालाब को तो फिर सुंदरीकरण का बात बेईमानी है। तो ये दो विषय में अभी तक जो सुनने में आया है कि तालाब का ये नाले का डीपीआर राज्य सरकार के पास और इसका जो पूरे डीपीआर को भेजा है, अब उस डीपीआर में क्या है, ये 5 अधिकारी बैठ के अगर बनाएंगे तो यहाँ के धरातल के हिसाब से वो अच्छा होगा नहीं होगा, क्या बनाए हम लोग नहीं जान रहे। लोगों के अविश्वास के बीच अरसे बाद सरकार हरकत में तो आई है, लेकिन सौंदर्यीकरण की ये योजना अपने अंजाम तक पहुंच पाएगी अभी कहना थोड़ा मुश्किल जरूर लग रहा है। रूपम पलाश, सहारा समय, रांची।